चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां दिग्विजय चौटाला देंगे बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में अकेले शहरी निकाय चुनाव लड़ने के भाजपा के फैसले के बाद अब से होगी पार्टी। जजपा ने भी स्थिति साफ कर दी है। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने रविवार को बताया कि उनकी पार्टी शहरी निकाय चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय चौटाला ने अपने पिता जजपा अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सलाह मशविरा कर नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दुष्यंत चौटाला इस समय विदेश यात्रा पर है और उनके इस सप्ताह में लौटने की उम्मीद है। हिसार में हुई भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी और चुनाव समिति की बैठक में जजपा को दरकिनार करते हुए अपने दम पर नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि जजपा के साथ सत्ता का गठजोड़ ज्यादा, क्योंकि बीजेपी अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई। वहीं जजपा महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी और कार्यकर्ता सभी शहरी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे बल्कि हम शहरी निकाय चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नगर परिषद के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और नगर पालिकाओं के चुनाव चिन्ह पर भी लड़ना है या नहीं इसका फैसला जल्द ही लिया जाएगा। राज्य में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं से चुनाव का नामांकन प्रक्रिया 30 मई से शुरू हो रही है और चुनाव 19 जून को होंगे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।